सो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 5। डे भी हम हैं अपने होटल हिमालय के बाहर। तो अभी हम हरिद्वार में हैं और सभी भाई लोग अभी तैयार हो गए हैं, क्योंकि आज का स्ट्रेच हमारा इस टूर का सबसे लंबा स्ट्रेच है, जो है कि जोशीमठ तक, विच इज़ अराउंड 280 किलोमीटर्स। तो आज हमारा सबसे लंबा स्ट्रेच और सबसे ठंडा स्ट्रेच है। तो बाकी भाई लोग तैयार हो चुके हैं, पैकिंग पुकिंग हो गई है सबकी फर्स्ट क्लास तरीके से। मेरी सेहत भी थोड़ी ठीक होगी, लेकिन तरुण भी आएगी थोड़ी से गड़बड़ा गई है, लेकिन उन्होंने मेडिसिन ले लिया है, अब ठीक हो गए हैं। उनको थोड़ा वॉमिट का इशू हो रहा था, वो ठीक हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 बजे। तो जोशीमठ का अगर हम GPS में देखें, जोशीमठ का स्ट्रेच बता रहा है 7 घंटे का फ्रॉम हेयर 278 किलोमीटर, और साथ में अनिकेत के टायर जो है वो बिल्कुल बैठ गया है। तो अभी देखते हैं इसका पंचर या हवा शवा जो भी होगी वो भराएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से, पहले अनिकेत का टायर का सीन करवाते हैं कुछ। चलो भाई, जय गंगा मैया। यहाँ से जाएंगे जोशीमठ ओली, स्टे हम कोशिश करेंगे जोशीमठ में ही करेंगे, क्योंकि ओली में, जोशीमठ से जो ओली का रास्ता है 20 से 25 किलोमीटर, वो बिल्कुल स्नो से ढका हुआ है। जा तो सकते हैं, लेकिन बाइक्स के लिए बहुत ही रिस्क है। तो हम कोशिश करेंगे कि जोशीमठ में ही रुकेंगे। तो भाई व्यू देखो, गंगा भैया का सुबह सुबह का व्यू देखो। यहीं पे हमें शॉप मिल गई है, अनिकेत का टायर पंचर हो गया है, यहाँ से हवा लीक हो रही है। Glass while I'm thinking in my head I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters, is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. अभी बस ब्रेकफास्ट करेंगे, तो एक रेस्टोरेंट मिल गया है, ओपन में ही करेंगे भाई, ओपन में ही करेंगे, बहुत गंदा लगा हुआ है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, यहाँ पे शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, भूख ही इतनी लगी थी कि आते ही खाना टूट पड़े सारे। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, ऋषिकेश को छोड़ेंगे और आगे जाएंगे। अब आज का सफ़र बहुत लंबा है यार, एक तो यहीं बच गए हमें। अभी हम हैं देवप्रयाग, तो यहाँ नीचे सीन देखो भाई, यहाँ से जो आ रही है वो बागरी थी और ये अलकनंदा, ये दोनों जो है ये दोनों मिलकर बना रही है गंगा, जो वो आगे जाती है हरिद्वार में। और भाई व्यू देखो, अभी उस पानी में और इस पानी में हल्का सा डिफरेंस है आप देखो, और आगे मिक्स हो रहा है पानी, कलर थोड़ा डिफरेंट है दोनों का। सामने जो सिटी है कितना प्यारा, मतलब कि बसा हुआ है इन दोनों के किनारों पे। तो देवप्रयाग इसी संगम के लिए फेमस है यहाँ पे, और ये दो नदी मिलकर यहाँ गंगा बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल चले तो हम थोड़ा सा ही हैं, ये देवप्रयाग जगह आ गई है, अभी चलेंगे धीरे धीरे आगे। और मौसम अभी हल्की हल्की ठंडी हवा चलने शुरू हो गई है, लेकिन धूप भी अच्छी है। अभी देवप्रयाग में रुके हैं थोड़ी देर, तो अभी बाकी भाई लोग। हाँ भाई, क्या एक्सपीरियंस? भैया ट्रेडिशनल जगह में आने का मज़ा ही अपना है, कुछ अलग सा होता है, एक स्पिरिचुअलिटी फील होती है। आज का दिन हमारा लंबा स्ट्रेच है और आज हमने ट्रैवल ही करना है। इससे थोड़ा सा ना कोल्ड हो रखा है, तो फिर मेरे से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो नाक मेरा बंद पड़ा हुआ है अभी। तो थोड़ा व्लॉगिंग में अगर आपको मेरी वॉइस जो है बारी बारी आएगी, बीच बीच में आपको, मैंने कम ही व्लॉगिंग की है, ज़्यादा कोशिश यही रहा कि आपको सिनेमैटिक व्यू ही दिखाया जाए और थोड़ी बहुत मस्ती हमारे भाई लोगों की तरफ से। तो अच्छा लगा, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम हम जब लद्दाख गए थे वो अलग एक्सपीरियंस था, क्यों है ना? बिल्कुल और ये वाला एक्सपीरियंस, ये भी डिफरेंट है, ये अलग है, वो अलग है, दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंस है हमारे।
निकलते हैं यहाँ से क्योंकि डिस्टेंस बहुत है। अभी चेक करते हैं क्या सीन है। अंकल की स्कूटी हो गई थी खराब, थोड़ी बहुत हमने की कोशिश जितनी हो सकती है लेकिन नहीं भाई, उनका प्लग ही शॉर्ट था तो वो साइड में लगा के लिफ्ट लेके जाएंगे नीचे। यहाँ से पीछे वाली साइड जहाँ से अभी हम आए हैं 2-3 किलोमीटर पीछे थी मैकेनिक की शॉप कोई, तो वो भी स्कूटी साइड में लगाएंगे और जाएंगे ठीक करवाने, जितनी कोशिश हो सकती थी अच्छा हमने हेल्प की उनकी, अच्छा लगा। आप भी ऐसे ही करो, जब भी कहीं जाते हो अगर कोई फंसता तो प्लीज़ हेल्प करो। अभी हम हैं कीर्ति नगर का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से बस अभी हम लेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट आते ही हम आ जाएंगे, लेट मी चेक श्रीनगर वाली रोड पे। अब श्रीनगर यहाँ से रह गया 5 किलोमीटर, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी गढ़वाल, यहाँ पे जम्मू के मैक्सिमम बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं और रोड तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे यार, आप तो मेरे को तो काफ़ी प्यारी रोड लगी। अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और रुद्रप्रयाग जो है वो रह गया 31 किलोमीटर। यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे अपने जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत सारे हैं, हमारे एरिया के बहुत हैं, तो अभी बस अच्छा है, ये एरिया अच्छा है, शांत है और रोड भी अच्छी है, कोई इतनी टफ रोड नहीं है, मेरे को तो रोड अच्छी लगी। तो फिलहाल अभी हमारा यहाँ से डिस्टेंस अभी भी 146 किलोमीटर है, तो निकलते हैं यहाँ से। अब मंदिर देखो भाई, मंदिर देखो, वाह क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है। मेरा माइक हिल गया था तो वही सेट कर रहा हूँ अभी, अभी बस 5 मिनट के बाद हम ब्रेक लगाएंगे, भाई लोग आके निकल गए हैं। यहाँ रोड थोड़ी सी बीच बीच में खराब आ रही है, तो ये एरिया है रुद्रप्रयाग, तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी भी हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है 115 किलोमीटर और अभी भी बता रहा है कि हमें लग जाएंगे 3 घंटे और 20 मिनट। जिसका इंतज़ार था हमें वो सामने ही है बेसिकली, वो जो बर्फीला पहाड़ है हमारा एरिया वहाँ तक है, जो कि अभी भी 110 किलोमीटर यहाँ से दूर है, वही हमारी डेस्टिनेशन। रेस्टोरेंट में रुके थे फूड जंक्शन करके है, तो काफ़ी प्यारी मैगी बनाई थी इन्होंने, मज़ेदार चाय बनाई थी, हमने तो 2-2 कप पिए भाई, इतनी सर्दी और चाय पी मज़ा आ गया। और यहाँ पे भैया लोग मिल गए हैं, हरीश रावत नरेंद्र गिरीश वैद, तो ये सब भाई लोग मिले यहाँ पे, मज़ा आ गया और काफ़ी देर हमने बातें की, भैया गाइड किया, भैया ने हमें ओली के लिए एक कॉन्टैक्ट भी दिया होटल के लिए, और नोटी सैया को हमें एक साउथ फिल्म के एक्टर का दर्जा भी दिया है। तो अभी बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, सबको थैंक यू और बड़ा ही प्यार दिया इन लोगों ने और बड़ा ही मज़ा आया। तो अभी फ़िलहाल टाइम बहुत हो गया और थोड़ा अंधेरा भी होने लगा और हमारा यहाँ से डिस्टेंस रह गया 98 किलोमीटर, तो अभी फ़िलहाल सीधा चलते हैं जोशीमठ, तो मिलते हैं आपको। तो काफ़ी अच्छा लगा यार, भाई लोग यहाँ पे थे तो मज़ा आ गया, उनके साथ बातें शातें की, तो काफ़ी टाइम लग गया यार उनके साथ, तो बातें करते करते अंधेरा होने लग गया,
तो फिलहाल अभी लेट हो गया है, अब तो सीधा ही हम नॉन स्टॉप चलेंगे। हम 97 का स्ट्रक्चर है, हमने नॉन स्टॉप करना है। अभी देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। यहाँ तो हमें बता रहा है कि रात के 8:30 बजे पहुँचेंगे। कोशिश हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से नैनीताल है 223, अल्मोड़ा है 158, करण प्रयाग। यहाँ से सीधा गया रास्ता नैनीताल को और ये लेफ्ट चला गया बद्रीनाथ और वैली ऑफ फ्लावर और साथ में जोशी मठ। राइट, अभी हम आ गए करण प्रयाग वाली साइड। तो काफ़ी बड़ी सिटी है यार, नंद प्रयाग पहुँच गए। और तो यहाँ से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 61 अभी बता रहा है GPS में। तो भाई अभी एक्चुअली मेरा GoPro की बैटरी थोड़ी डाउन थी तो मैंने अभी बैटरी चेंज कर दी है। और अभी यहाँ से हमारा जो बता रहा है डिस्टेंस, वो बता रहा है 1:51 का, जो कि 61 किलोमीटर है। और अभी हमारा रीचिंग टाइम है जो है 8:43। तो ऐसा है कि आप थोड़े से ग्लव्स के अंदर इनर्स पहन लेने चाहिए क्योंकि ठंड लग रही है बड़ी। चुके हैं चमोली, ये एरिया पहुंच गया पीपल कोटली। और फाइनली जोशी मठ। तो अभी बस होटल वोटल देखते हैं कोई अच्छा है। काफ़ी क्राउड है आज, वैसे देखा जाए ना काफ़ी क्राउड आया हुआ है। तो अभी कोई होटल वोटल मिलेगा तो फिर उसके बाद होटल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बड़ी ठंड है यार। क्या डाल देनी तुमने भाई यार? 7500 रुपये ले गए सर्विस ना, कुछ के खाना खा रहे हैं बाहर आके। तो शुक्र करो रूम मिल गया। तो भाई यहाँ अभी हम पहुँच गए जोशी मठ में, तो बहुत ठंड है और होटल सफायर करके हमें यहाँ मिला है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्यारी। तो अभी यहाँ हम डिनर, ये छड़ी TRP बता रही, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, मैं दिखा दूँ छड़ी लकड़ लगी हुई कमरे में भी, क्या अपनी दिखाई मेरे साथ कुछ भी नहीं है भाई। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। और बस अभी डिनर के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, बस थोड़ा डिनर शिनर करेंगे। और तो अभी डिनर शिनर करेंगे, थोड़ा नॉन वेज बनेंगे और मिलते हैं कल अनदर डे। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।